गाइस वेलकम बैक टू मर्तिका ब्लॉग्स। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजमा की रेसिपी। तो राजमा बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या लेते हैं। ये देखिए, हमने राजमा को सोख करके रख लिया है और अब इसको उबालने के लिए हमें चाहिए 2 कप पानी। तो इसको कुकर में डाल देंगे, उसके बाद कुकर में डालेंगे 2 कप पानी, थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे और राजमा की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अब इसको हम चढ़ाएंगे गैस पे। और इसमें 1 सीटी आने तक इसको रखेंगे, उसके बाद कम फ्लेम में 2-3 मिनट कम फ्लेम में इसको पका लेंगे। तो अभी तक 1 सीटी आने दीजिए। यहाँ मैंने उसके मसाले के लिए लिया है 3 टमाटर, धनिया, मिर्च, अदरक भी डालते हैं, पर अदरक है नहीं तो कोई बात नहीं। तो जब तक ये राजमा बनता है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हमारा राजमा उबल चुका है तो अब हम इसके मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हम लेंगे 2 चम्मच तेल और इसको हम देंगे गरम। हमारा तेल गरम हो गया तो हम इसमें डालेंगे 2 तेज़ पत्ता, थोड़ा सा जीरा, अब फ्लेम को हम लो कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग, और हमारे पास राजमा का स्पेशल मसाला है तो वो हम डालेंगे 3 चम्मच और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसको हम करेंगे अच्छे से फ्राई। और मसाले के साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। मसाले के साथ भूनने पे इसका फ्लेवर थोड़ा बहुत ही अच्छा आता है। दो 3 मिनट हम इस मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, वो भी लो फ्लेम पे। आप देख रहे हैं हमारा मसाला तेल को छोड़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हम आपको बताए थे, टमाटर, मिर्च और अदरक की प्यूरी। चला देंगे और इसको हम
ढक कर रखेंगे। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से मसाले में से तेल न छोड़ दे, और तब तक के इसे ढक कर आराम से पकने देंगे। फिर से चलाएंगे इसे, तब तक पकाएंगे जब तक ये मसाला छोड़ नहीं देगा तेल को। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। आपने देखा था कि हमने उसमें नमक ऐड किया था, थोड़ा सा इसमें भी ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। आप लोग तो जितना नमक खाते हैं स्वाद अनुसार आप लोग। फिर हम इसको चलाएंगे। थोड़ी देर और पकने देंगे और आप देख सकते हैं ये मसाला हमारा तेल छोड़ने लगा है। थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। हमारा राजमा भी देखिए अच्छे से तैयार हो गया। देख सकते हैं हमारा मसाला तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें जो राजमा है वो पानी के साथ ही ऐड कर देंगे, जो उसका पानी है। पानी के साथ इसको ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा करके इसको छोड़ देंगे। दो तीन मिनट हो गए, हम इसको चला के देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर हम इसको और चलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। और एक साइड हम बना रहे हैं इसके साथ खाने के लिए पूड़ियाँ। आप चाहे तो इसके साथ चावल, पूड़ी, पराठा, रोटी कुछ भी बना सकते हैं। रेडी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। अगर आपको भी खाना है तो ये आप इसको रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको मन करे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। हमारे वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।